नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और दर्शकों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे अन्नपूर्णा जयंती की। चूंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में खूब सारा अन्न हो, धन हो, भंडार भरा रहे और हमेशा खाते पीते अच्छे से रहें, लेकिन उसके लिए हर साल एक बार आने वाली अन्नपूर्णा जयंती पर माँ अन्नपूर्णा की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पूजा करेंगे तो माँ अन्नपूर्णा आप पर हमेशा कृपा बरसाती रहेंगी और साथ ही साथ अन्न के भंडार आपके घर में बने रहेंगे। तो आज इस पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ उपाय भी बताएंगे और साथ ही शुभ संयोग भी आपको देंगे। समस्याओं के हल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। शुरुआत शुभ संयोग से करते हैं। पंडित जी, गुरुवार का शुभ संयोग क्या है आज? गुलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद और कपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में हम बात करेंगे आज अन्नपूर्णा जयंती पर किए जाने वाले कुछ महाचमत्कारिक उपायों की। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए और लिखते जाइएगा। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 12 दिसंबर 2019, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, आज पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा, साथ ही आज अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाएगी। मां अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन, अन्नपूर्णा जयंती के दिन श्रद्धा पूर्वक मां अन्नपूर्णा की पूजा करता है, उपासना करता है, उसे जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं रहती है। आज के दिन रसोई, चूल्हे आदि का पूजन करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। साथ ही मां अन्नपूर्णा देवी की कृपा बनी रहती है। मां अन्नपूर्णा की कृपा से घर में कोई भूखा नहीं सोता है, यश कीर्ति वैभव की प्राप्ति होती है। चलिए, ये तो बात हो गई आज के शुभ संयोग की। चूंकि आज अन्नपूर्णा जयंती है, मां अन्नपूर्णा की पूजा आज आप सभी लोग कीजिएगा, क्योंकि दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह का समय है। लेकिन अब जब आप रसोई में जाएं, अपने किचन में जाएं, तो अपने चूल्हे की, अपनी गैस की पूजा कीजिएगा, अन्नपूर्णा देवी की पूजा करेंगे। लेकिन कैसे करनी है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ, सबसे पहले कॉलर कृष्ण जी जुड़े हैं अलवर से और 30 अगस्त 1995 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। कृष्ण जी बहुत बहुत स्वागत है, बताएं क्या पूछना चाहते हैं, आपका समय दीजिए। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण सर। पंडित जी, समय तो मुझे अभी मालूम नहीं है, दोपहर के समथिंग में, 2 बजे के समथिंग। प्रश्न पूछिए बेटा। एक तो मुझे सरकारी जो नौकरी का योग है नहीं है, दूसरा मुझे टेक्निकल फील्ड में जॉब कब तक मिलेगी, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। देखिए बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी का आपके योग बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका शनि भी स्वग्रही है, सूर्य भी स्वग्रही है, बुध भी उच्च का है, और आने वाला जो समय है 2020 आपकी लाइफ का टर्निंग ईयर साबित हो सकता है, 2021 आपकी लाइफ का टर्निंग ईयर साबित हो सकता है। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें, आदित्य हृदय स्रोत या 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, निश्चित तौर पर विदिन ए ईयर आपके सरकारी नौकरी मिलेगी। टेक्निकल के अंदर में भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, इसमें कोई दोराय नहीं। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, किसी तरह का कोई दोष नहीं है, सिर्फ आपको शेयर मार्केट का काम नहीं करना। बिल्कुल, तो आपको क्या कुछ नहीं करना है और क्या कुछ उपाय आपके लिए जिससे आपको अच्छी सी नौकरी मिल जाए, ये पंडित जी ने आपको बताया। और आगे भावना जी का कॉल लेते हैं, जो जयपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं और ये अपने हस्बैंड के लिए, सौरभ के लिए जानना चाहती हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 29/11/1990 और समय ये बताती हैं 10:57 का सुबह का। बहुत बहुत स्वागत है भावना, सवाल करें। जी पंडित जी, राधे कृष्णा बेटा। जी, मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना है कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी नौकरी लगेगी और एक उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं रहती है। देखिए बेटा, भावना ऐसा है, आपके हस्बैंड जो सौरभ हैं, इनका रेवती नक्षत्र चतुर चरण में जन्म हुआ है। अपनी सासू माँ से पूछिएगा कि इनकी रेवती नक्षत्र की गणमूल की विधि विधान पूर्वक शांति कराई थी या नहीं कराई थी। ये नहीं करवाई हो तो योग्य आचार्य के निर्देशन में करवा लीजिएगा। सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य की महादशा में भी राहू का अंतर है। अगस्त 2020 8 महीने के पश्चात में
अगर कोई कंपटीशन का रिजल्ट आता है तो निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी मिल सकती है। इनकी कुंडली में गुरु उच्चिका है और साथ में शुक्र भी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। अगर ये प्रयास करें तो इनको अगस्त के पश्चात में इनको नौकरी मिलेगी। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का प्रदान करना है, रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करना है, दाल की कचौरी दही मरती चढ़ानी है और साल में एक बार अपने जन्मदिन पे वजन के बराबर गुड़ का दान करना है। चलिए अपन जब मुकेश जी का कॉल लेते हैं, उदयपुर से जुड़ गए हैं। 5 जनवरी 1999 डेट ऑफ बर्थ और 11:35 का सुबह का समय। मुकेश जी सवाल क्या है? प्रणाम गुरु जी, शुभ आशीर्वाद जी। गुरु जी थोड़ा करियर के बारे में पूछना था कि मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ IIT में। हाँ हाँ, तो एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मतलब कि मुझे IAS की तैयारी करनी चाहिए, थोड़ा मन मेरा IAS का भी है। निश्चित तौर पे बेटा, जहाँ तक आपका एक तो मघा नक्षत्र का जन्म है, माता पिता से पूछिएगा कि मघा नामक गणमूल नक्षत्र की शांति हुई या नहीं हुई। यदि नहीं हुई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में करवा लीजिएगा। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बुध बुध आदित्य योग दसम भाव में बैठा है, वहाँ का स्वामी देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति हैं। यदि आप IAS RAS जैसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आप कलेक्टर बन सकते हैं, IAS ऑफिसर बन सकते हैं, RS ऑफिसर बन सकते हैं। टेक्निकली आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे, यानी आप इंजीनियरिंग लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं पा सकते हैं, और आप नॉन टेक्निकल अगर होते हैं तो यू विल गेट मच मच बेटर जॉब। सिर्फ भाग्य स्थान को प्रबल करने के लिए और शनि जो नीच का उसको शांत करने के लिए 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली के अंदर धारण करें। शनिवार के दिन काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करें और उसके साथ साथ में शनिवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा या बजरंग पान का पाठ अवश्य करें। चलिए और दर्शकों अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हमारी जो विशेष चर्चा है वो अन्नपूर्णा माता पर है, क्योंकि आज अन्नपूर्णा जयंती है। तो अन्नपूर्णा जयंती पर आप किस तरह से माँ की पूजा करें जिससे आपके घर में भंडार अन्न का भरा रहे, यश कीर्ति आपको प्राप्त हो, धन का भंडार भरा रहे, पंडित जी पूजा विधि जानना चाहेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं, आज चूँकि बहुत ही बड़ा दिवस है, आज माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, उसकी वजह से ही हम जो भोजन करते हैं आज उसके आशीर्वाद से ही रोटी मिलती है, उसके आशीर्वाद से ही खाना मिलता है। तो आज माँ अन्नपूर्णा की पूजा करना मत भूलिएगा। आज अन्नपूर्णा जयंती के दिन माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विधान बताया गया है। आज चूँकि पूर्णिमा तिथि है तो भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना भी आपको करनी है, सत्यनारायण की कथा भी करनी है, भोलेनाथ की भी आराधना करनी है, माँ पार्वती की भी आराधना करनी है। माँ अन्नपूर्णा के रूप में माँ गौरी की पूजा आज आपको अवश्य करनी है। गौघृत का दीपक जलाना है, माँ अन्नपूर्णा को अर्थात माँ गौरी को मेहंदी श्रृंगार सामग्री पुष्प चुनरी इत्यादि अर्पण करने हैं, और धनिये की जो पंजेरी होती है उसका भोग माँ अन्नपूर्णा को आज लगाना है। माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से घर में कभी अन्न की और जल की कमी नहीं रहती है। माँ अन्नपूर्णा देवी अन्न की देवी मानी गई है। आज के दिन रसोई घर बिल्कुल साफ रखना चाहिए, शुद्धता रखनी चाहिए, गंगा जल छिड़क कर घर को शुद्ध करना चाहिए, और रसोई घर के अंदर जो चूल्हा है उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। कुमकुम उसके ऊपर लगाइए, अक्षत लगाइए, मौली बांध दीजिए, उसके ऊपर कुछ मीठा गुड़ या पताशा उसके ऊपर रख दीजिए और अग्निदेव की प्रार्थना कीजिए, चूल्हे की प्रार्थना कीजिए। इसी के साथ अन्न की भी आज आपको पूजा करनी है। माँ अन्नपूर्णा की पूजा व्रत से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। आज के दिन कहा जाता है कि चूंकि अन्नपूर्णा जयंती है तो अन्नदान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता यह है कि आज के दिन अन्नपूर्णा जयंती के दिन अन्नदान करने से इस जन्म के और अगले जन्म में भी कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। तो आज भगवान माँ अन्नपूर्णा जयंती के दिन भगवान शिव की आराधना करना, माँ गौरी की आराधना करना, पार्वती की आराधना करना, माँ अन्नपूर्णा की आराधना करना आपके लिए शुभ रहेगा। और आज का जो पूजन मंत्र रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओम माँ जगत जननी अन्नपूर्णाय नमः। ओम माँ जगत जननी अन्नपूर्णाय नमः। ओम माँ जगत जननी अन्नपूर्णाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार आज आप जाप अवश्य कीजिए। चलिए ये तो बात हो गई अन्नपूर्णा माता की पूजा आपको कैसे करनी है, पूजा विधि क्या है, मंत्र क्या है, लेकिन आगे उपाय भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे योगेश सुजानगढ़ से जुड़ गए हैं, उनका कॉल लेते हैं। 6 जून 1993 और 2:31 का सुबह का समय यानी रात का समय। योगेश जी बहुत बहुत स्वागत है, ये आपका रात का समय है और 6 तारीख की सुबह है। प्रश्न पूछिए बेटा जल्दी से।
सर तबीयत खराब रहती है काफी। देखिए ऐसा है योगेश, आपकी जन्म कुंडली में एक तो मूल नक्षत्र का आपका जन्म है, अपने माता पिता से पूछिएगा कि मूल आपके विधिवत शांति कराई के नहीं कराई। यदि नहीं करवाए हो तो विधिवत मूल की शांति करवा लीजिएगा। सूर्य की महादशा और शनि का एक नेगेटिव अंतर अभी 28 नवंबर को खत्म हुआ है। अब सूर्य की महादशा बुध का अंतर आपके शुरू हुआ है। मंगल आपकी जन्म कुंडली में नीच का है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे तो एक तो साल में एक बार वजन के बराबर गुड़ का दान करें, मंगलवार को जो हनुमान जी के मंदिर दर्शन करें, सुंदरकांड का, बजरंग बाण का या हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें, सोते समय सिर पूर्व दिशा के अंदर रखें, निश्चित तौर पे आपके स्वास्थ्य में, आपके करियर में हर जगह आपको लाभ दिखाई देगा। योगेश जी के बारे में पंडित जी आपने बताया, और कंधर्व कृष्णा ब्यावर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका कॉल लेते हैं। 22 फरवरी 1986 डेट ऑफ बर्थ, 10:10 सुबह का समय। बताएं कंधर्व कृष्णा आपका सवाल क्या है जी, सुन पा रही हैं आप कृष्णा, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी, बताएं। आपकी तारीख वापस बोलिएगा। 20 फरवरी, ठीक है। प्रश्न पूछिए जल्दी से। ये सरकारी नौकरी में अभी तक नंबर नहीं आया। देखिए आपकी जन्म कुंडली में ऐसा है कि अष्टम भाव में मंगल शनि की युति बनी हुई है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में अष्टम भाव में शनि मंगल की युति बन जाती है, ऐसे लोगों के जीवन में या तो विवाह हो या शारीरिक हो या आर्थिक हो या नौकरी का क्षेत्र हो, उसमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो, घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक लगाइए। योग्य आचार्य के निर्देशन में खेजड़ी के पेड़ के नीचे, खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष शनि मंगल की विधि विधान पूर्वक शांति करवाएं। जनवरी 2022 के पश्चात में आपका सरकारी नौकरी का योग बनेगा, उससे पहले आपके सरकारी नौकरी का योग नहीं बनता है। तो नौकरी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा समय आपको धैर्य रखना पड़ेगा, उसके बाद आपके हाथ में एक अच्छी सी नौकरी भी होगी। पायल जी का कॉल लेते हैं, कोटा से जुड़ी हैं, मम्मी कौशल्या के लिए जानना चाहती हैं। पायल सवाल करें, क्या जानना चाहती हैं, और डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ दें। मैम उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है। प्रश्न पूछिए आप जल्दी से, प्रश्न पूछिए बेटा। मम्मी को ये बताना है कि मम्मी की वो क्या कहते हैं, जॉब या नौकरी कैसे कर सकती हैं या धंधा कैसे खोले उनके नाम से। मम्मी की उम्र क्या है? मम्मी की 43 हो गई। देखिए जहाँ तक कौशल्या जी की प्रश्न कुंडली का सवाल है, अगर ये किसी तरह का स्टेशनरी का काम करती हैं, कॉपी किताब की दुकान या इस तरह का कोई काम करती हैं, दूध का काम करती हैं, तो इनके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। और घर में सुख शांति समृद्धि के लिए हर शुक्रवार को इनको जो है वो कौओं को एक गाढ़ी कटोरी खीर बना के खिलाना चाहिए, उससे इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ठीक होगी। नौकरी कर सकती हैं या अपना खुद का व्यवसाय भी ये कर सकती हैं। चलिए तो पायल जी, आपकी मम्मी के नाम से अगर आप व्यापार खोलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो पंडित जी ने आपको बताया, तो उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। लता जी का कॉल, कोटा से ये जुड़ गई हैं और ये डेट ऑफ बर्थ बताती हैं अपने बेटे का, 14/9/1986 और 5:05 सुबह का समय। लता सवाल करें, क्या पूछना है? जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ। क्या करना चाहता है वो? ज्वेलरी शॉप। ज्वेलरी शॉप खोलना चाहता है। अच्छा, उसमें सक्षम होगा नहीं होगा, ज्वेलरी शॉप का क्या नाम रखे? अच्छा। और एक वो पैकेज हो। देखिए जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इसकी कुंडली बहुत अच्छी है। बुध इसकी कुंडली में उच्च का है, सूर्य स्वग्रही है, शुक्र स्वग्रही है और इसके माला योग बना हुआ है। ऐसे माला योग वाले जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत सफल व्यापारी बनते हैं या सफल अगर कंपटीशन में जाता तो आईएएस आरएएस ऑफिसर बनता। राहु की महादशा चल रही है, 2025 तक राहु की महादशा रहेगी और अगर दुकान खोलना चाहते हैं तो अपनी दुकान का नाम जो होना चाहिए वो आर के ऊपर होना चाहिए, तरबूज वाला त या रमेश वाला र के ऊपर इसको दुकान का नाम रखना चाहिए और निश्चित तौर पर ये एक सफल व्यापारी बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पन्ना रत्न हमेशा धारण करके रखें और हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाए, हरी चद्दर पे सोए।
जी, तो आपको उपाय बता दिए हैं और आपके बेटे ब्रजेश के लिए, और साथ ही साथ व्यापार अच्छा चलेगा, दुकान खोल सकते हैं, उसके लिए क्या कुछ करना है ये भी पंडित जी ने बताया। तो दर्शकों, ये तो आपके प्रश्नों के जवाब पंडित जी दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आज अन्नपूर्णा जयंती है, तो क्या कुछ विशेष उपाय आप कर सकते हैं, तो ये उपाय भी आपको बताएंगे, साथ ही समस्याओं के हल भी लेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जाते जाते छोड़े जाते हैं आज के पंचांग के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। और दर्शकों, आज हम अन्नपूर्णा जयंती की बात कर रहे हैं, चूंकि माँ अन्नपूर्णा का आज दिन है, तो आप कैसे माँ अन्नपूर्णा को खुश करें जिससे आपके घर में अन्न का भंडार बना रहे, धन का भंडार बना रहे। तो विधि तो हमने जान ली पंडित जी, उपाय क्या हो सकते हैं आज, वो आपसे जानना चाहिए। शुरुआत करते हैं अन्नपूर्णा जयंती के कुछ चमत्कारिक उपाय। आज रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर अवश्य लगाइएगा, और आज से ही आपको रोज खाना बनाने से पहले मां अन्नपूर्णा की विधिवत पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं आएगी, अन्न का भंडार हमेशा भरा रहेगा। ध्यान रखिए, हमेशा खाना बनाने से पहले आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात में रसोई और गैस चूल्हे को अच्छी तरीके से साफ करके, उसकी पूजा अर्चना करके, माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करके ही खाना बनाइए। और उसमें से सबसे पहला भोग जो है वह हमेशा माँ अन्नपूर्णा को लगाइए। तो आपकी रसोई में इस प्रकार बना हुआ जो भोजन होगा, निश्चित तौर पर वह आरोग्यता प्रदान करेगा। खाना बनाने के पश्चात उसमें से 3 रोटी अवश्य निकाले। पहली रोटी जो होगी वो गौ माता को खिलानी है, दूसरी रोटी जो होगी वो कुत्ते को खिलानी है, और तीसरी जो रोटी है उसके टुकड़े करके अपनी छत के ऊपर रख दीजिए कौओं के लिए। तो गौ माता, कुत्ते को और कौवे को 3 रोटी अगर आप प्रतिदिन खिलाते हैं, निश्चित तौर पे माँ अन्नपूर्णा आपसे सदैव प्रसन्न रहती है। आपके घर में दरिद्रता, गरीबी का वास नहीं होता है, उसकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। घर की दक्षिण दिशा में कभी भी गैस चूल्हा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। दक्षिण देखते हुए बनाया गया भोजन घर के लोगों की उम्र को कम करता है, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। ऐसा भोजन राक्षसों के पेट में जाता है, तो दक्षिण देखते हुए कभी भी भोजन नहीं बनाना चाहिए। चलिए, ये तो उपायों की बात हो गई, और कैसे आपको रसोई में ध्यान देना है, माँ अन्नपूर्णा की पूजा करनी है, आज रसोई घर में पूजा करनी है, ये पंडित जी बता रहे हैं। आगे भी बात करेंगे, लेकिन गजेंद्र जी का कॉल लेते हैं, भीलवाड़ा से ये जुड़ गए हैं, बड़े भाई के लिए जानना चाहते हैं। 11/9/1968 डेट ऑफ बर्थ, और 9:15 का रात का समय। गजेंद्र जी, सवाल क्या है? हेलो जी, प्रश्न पूछिए जल्दी से। हाँ पंडित जी, प्रणाम। प्रणाम। मैं पूछ रहा था पंडित जी कि काफी समय से बैसाखी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, काम धंधे सब बंद हैं, कब तक सुधरेंगे? माइंस में काम करते हैं, मुझे इंस्टॉल माइंस। देखिए बेटा, जहाँ तक आपके ब्रदर की जन्म कुंडली का सवाल है,
एक तो इनके फाइनेंशियल हाउस का, पैसों के घर का स्वामी शुक्र नीच का है, नौकरी का, व्यापार के घर का, लाभ के घर का मालिक शनि भी नीच का है। दो दो ग्रह नीच के होने के कारण हमेशा आर्थिक स्थिति डाउन रहेगी। लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, माइंस इत्यादि में काम नहीं करना चाहिए। तो दो सरल उपाय बता देता हूँ। एक तो तुरंत प्रभाव से 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली के अंदर धारण करें। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, शनि मंदिर में दर्शन करें, तेल चढ़ाएं। हर शुक्रवार को कौओं को पनीर खिलाएं और 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट दें। 27 शुक्रवार निश्चित तौर पर फाइनेंशियल पोजिशन सुधर जाएगी। खाना बनाते समय पूरब देखते हुए खाना बनाएं, लाभ ही प्राप्त होगा जी। और आगे चंद्रदेव दिल्ली से जुड़ गए हैं, उनका कॉल लेते हैं, वाइफ के लिए जानना चाहते हैं। 12/8/1965 डेट ऑफ बर्थ, 5 बजे का सुबह का समय। स्वागत है आपका, सवाल कीजिए, क्या पूछना है वाइफ के लिए? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, सवाल करें। सवाल ये है, मेरी पत्नी मिसिंग हो रही है। ये जन्म कुंडली किसकी है? मेरी पत्नी की है जी। तो मिसिंग हो रही मतलब क्या, गायब है? हाँ जी। कब से गायब है? 12 साल हो गए जी, 2008 में मिली थी। देखिए, जहाँ तक आपकी पत्नी की जन्म कुंडली का सवाल है, शनि की महादशा इनको चल रही है और शनि वक्री है, अष्टम भाव में बैठा है और अभी भी शनि की महादशा और चंद्रमा का विष योग चल रहा है। मई 2020 तक ये चलेगा। अगर इनके कोई मिलने की आपको संभावना भी रहेगी तो मई 2020 के पश्चात ही मिल पाएंगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपको मिले तो एक तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए। हर सोमवार को शंकर भगवान के मंदिर में दर्शन करें। निश्चित तौर पर अगले 6 महीनों में आपकी पत्नी आपको वापस मिलेगी। चलिए, और दर्शकों एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, विशेष चर्चा का रुख करते हैं कि आज जब अन्नपूर्णा जयंती है तो क्या कुछ उपाय आपको करने हैं। चलिए दोस्तों, रसोई घर में गैस चूल्हा पश्चिम दिशा की ओर कभी न रखें, क्योंकि पश्चिम दिशा देखते हुए बनाया गया भोजन घर के व्यक्तियों का स्वास्थ्य को खराब करता है। ध्यान दीजिए, व्यक्तियों का स्वास्थ्य खराब करता है, पेट, त्वचा, हड्डी के रोग बने रहते हैं। यश कीर्ति प्राप्ति के लिए मां अन्नपूर्णा पर हरे मूंग अर्पण कीजिएगा। अर्पण किए हरे मूंग भिगोकर गौ माता को आज अवश्य खिलाइएगा। विपत्तियों से रक्षा के लिए मां अन्नपूर्णा को नव धान अर्पण कीजिएगा और नव धान जो अर्पण किया पक्षियों खिला दीजिएगा। घर में अन्न धान्य की कमी से बचने के लिए मां अन्नपूर्णा को आज सूखा धनिया जरूर अर्पण कीजिएगा, निश्चित तौर पर फायदा होगा। घर की डाइनिंग टेबल पर सुंदर से बने हुए कांच के छोटे जार में अलग अलग प्रकार के अन्न भर के रखिएगा, मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। चलिए, तो ये तो बात हो गई उपायों की और साथ ही साथ आज की पूजा विधि क्या है, अन्नपूर्णा माता की पूजा कैसे करनी है, ये हमने बताया। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी जानकारी। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं और साथ ही जानना चाहते हैं, कुछ विशेष चर्चा आप सुनना चाहते हैं, तो आप हमें फोन करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।